हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के चार अपडेट के बारे में जो कि हिंदी से रिलेटेड अपडेट है। कुछ रिलीज हो चुके हैं, कुछ डेवलपमेंट में है। तो सबसे पहले नंबर पे है डेडेविल सीजन 3 के बारे में जो कि हिंदी में रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर आपने सीजन 1 सीजन 2 देख रखा है तो आप तैयार हो जाइए सीजन 3 के लिए। और ये अपडेट मैंने 3 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया था, पर काफी लोग नहीं देख पाए। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पर कि भाई इसके ऊपर भी वीडियो बना दो जिससे कि और लोगों को पता चल चुके। तो फाइनली अगर आपको नहीं पता अभी तक तो जाके डेडेविल सीजन 3 देखिए, वो भी हिंदी में आ चुका है। काफी कमाल का सीजन है और इसमें हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, तो जाके देखो, काफी ज्यादा अच्छा है। देन अब बात करते हैं सेकंड नंबर की टीवी सीरीज के बारे में, द प्रेडिक्टर। तो काफी कमाल का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसका सीजन 3 भी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो काफी लोगों का कहना है कि इसका सीजन 1 तो बेस्ट था पर सीजन 2 काफी ज्यादा बोरिंग था। तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, पर सीजन 3 की जो रिलीजिंग डेट है वो है 6 मार्च, जो कि हिंदी के साथ भी रिलीज होगा। यानी कि आपको 6 मार्च को इंग्लिश में तो देखने को मिलेगा पर साथ ही साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जैसी 6 मार्च आएगी तो आपको प्रेडिक्टर भी हिंदी में देखने को मिलेगा, तो ये ऑफिशियली कन्फर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में ये हिंदी में रिलीज होगा, ये 6 मार्च को ही आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी टीवी सीरीज है, पहला सीजन तो काफी अच्छा लोग बता रहे हैं पर सेकंड सीजन के अभी रिव्यू अच्छे नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि तीसरा सीजन कैसा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी टीवी सीरीज के बारे में जो कि काफी कमाल की है और हॉरर भी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ डार्क के बारे में। तो ये टीवी सीरीज मैंने अभी तक देखी तो नहीं है क्योंकि हिंदी में नहीं थी, पर मैं इसको देखना जरूर चाहूंगा। अब अपडेट ये आया है नेटफ्लिक्स की तरफ से कि वो इसके ऊपर हिंदी डबिंग करेंगे। जी हाँ, इसका सीजन 1 सीजन 2 दोनों ही इसके हिंदी डबिंग पे काम चल रहा है और जैसे ही इसकी हिंदी डबिंग कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी अगर अपडेट आता है इसकी रिलीजिंग डेट से रिलेटेड या फिर ये अवेलेबल हो जाती है तो मैं आपको तुरंत इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो डार्क हॉरर टाइप की है और थोड़ा आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 में, सीजन 2 सीजन 1 में आपको डिफरेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो इसके बारे में भी मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ना मैंने देखा अभी तक, ना इसका कोई भी सीजन देखा, पर इसका 7th सीजन हिंदी में आ चुका है नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ, तो काफी कमाल का टीवी सीरीज बताते हैं लोग इसे और इसके 7 सीजन आ चुके हैं, 7th सीजन भी हिंदी में आ चुका है। तो जिसके बाद नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और जो इन सारी टीवी सीरीज को देख चुके हैं तो फाइनली उनके लिए लास्ट ऑप्शन बचा है ऑरेंज द न्यू ब्लैक। तो इसको जाके देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये किस टाइप का है, तो जिससे कि मैं भी देखूं और फिर इसका मैं रिव्यू भी दूंगा जैसे कि और लोगों को पता चले कि ये टीवी सीरीज देखने लायक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या दोस्त पे थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।